अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सुबह में ये देखिए हमने कबूतर खोला है और हम यहाँ पे खड़े थे तो देखा कि अभी देखिए एक कबूतर हमारे छत पे आके बैठा है जिस पे कलर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये, और ये कबूतर पीली आँख में है। ये देखिए दोस्तों, तो थोड़ा सा घूम के ये देखिए ऊपर जो है आपका कलर लगा हुआ है। ये देखिए, और ये आकर बैठी है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी अभी जस्ट हमने कबूतरों को खोला है, पानी डाला है सिर्फ, और पानी डाल के जो है हम थोड़ा सा उधर गए तो वहाँ पे थे तो देखा कि एक कबूतर ये नया आकर हमारे छत पे बैठ गई है। तो चलिए इसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही तेज कबूतर लग रही है, देखिए दाना अभी लाए हैं तो ऐसे ही रखे हैं कि अभी जो है 5 या 10 मिनट के बाद डालेंगे, तब तक आकर ये कबूतरी बैठ गई है। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम स्टैंड पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं कि क्या होता है, इसे हम पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। देखने में तो बेहतर कबूतर लग रही है, पीली आँख में है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर पकड़ लेते हैं तो हम आपको अच्छी तरीके से शौक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कबूतर खोले हैं अभी हम, दाना वाना कुछ नहीं डाले हैं और आकर कबूतरी बैठ गई है। तो पहले स्टैंड सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो स्टैंड हमने सेट कर लिया है और वो देखिए वो बैठी है कबूतरी वहाँ पे जो है, वो ये देखिए कलर लगा हुआ है। तो चलिए हम जो है रोज़ाना जो दाना डालते हैं, पहले हम दाना डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो दाने पे पकड़ पाते हैं या फिर जो है पानी पे। और देखिए हमारे कबूतर जो है ये नहा रहे हैं, तो पहले उसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम और आगे कर देते हैं स्टैंड। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कैसे हम पकड़ते हैं। ये हम जो है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वो जो है चना नहीं खा रही है, लगता है कभी इसको चना नहीं खिलाया गया है इस वजह से वो चना नहीं खा रही है। ये दोस्तों ये रही, देख रहे हैं आप जैसा कि कलर लगा हुआ है। और अब जो है हम लाएंगे थोड़ा सा गेहूं, गेहूं खिला के देखते हैं कि क्या गेहूं वो खाती है, कबूतर में सटती है, तब जाके हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा हमने गेहूं लाया है। ठीक है दोस्तों, नीचे से, और ये देखिए कबूतर दिखाई नहीं दे रही है, लगता है कि उड़ गई कि घर में चली गई। थोड़ा सा हम गेहूं गए थे लाने के लिए क्योंकि वो चना देखा आपने खा नहीं रही थी, तो चलिए देखते हैं कहीं अंदर तो नहीं गई, छत पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, ऊपर नहीं है, अंदर देखते हैं अंदर गई या उड़ के भाग गई। ठीक है तो चलिए देखते हैं, अंदर भी तो सारे अपने कबूतर हैं। लगता है दोस्तों नीचे हम गए और ये कबूतरी उड़कर भाग गई। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर अभी खुले हमारे रहेंगे और अगर आकर बैठती है, अगर कहीं होगी तो दिखाई भी नहीं दे रही है, अगर बैठती है आकर, ठीक है दोस्तों, तो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों शाम का वक्त है और हम अभी आए छत पे कबूतरों को खोलने के लिए, तब तक देखा कि पानी जो है उधर से आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है रोक दिया अभी कबूतरों को खोलना। और जो सुबह में कबूतर हमारे छत पे आके बैठा था वो देखिए मुन्ना भाई के छत पे बैठ के नहा रहा है बारिश में, और ये मुन्ना भाई कबूतरों का दाना डाले थे खोलकर। ठीक है, तो वो आकर बैठ गया और उस पर देखिए उसके ऊपर बैठा है सुबह वाला कबूतर, ये देखिए दोस्तों उस पर बैठा है। तो अभी जो बारिश हो रही है तो हम अपने कबूतरों को नहीं खोलेंगे क्योंकि बारिश में भींग जाएंगे, शाम का वक्त है, और जब भींग जाएंगे तो फिर बीमार कबूतर पड़ेंगे, तो अभी खोलना नहीं है। जब थोड़ी सी बारिश रुक जाएगी तब हम खोलेंगे और देखेंगे कि वो कबूतर वहाँ पे पकड़ा जाता है या फिर जो है उड़कर हमारे यहाँ आता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ये ला रहा है पकड़ के, और बारिश बहुत तेज होने लगी फिर से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये रंग लगा हुआ है और ये जो है हमने कहा था कि पीली आँख का कबूतर है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीली आँख का कबूतर है। ये इसके पंजे पूरी तरीके से ये भींग चुका है, ये गीला हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम इनको दे देते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और ये देखिए दोस्तों, इसके इसके पंखों के अंदर भी कलर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये बैगनी कलर का कलर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों,